सुपौल में शाहीनबाग की तर्ज पर एनआरसी सीएए एनपीआर के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना विगत एक महीने से ऊपर हो गई है, निरंतर चलती आ रही है। धरना कार्यक्रम को संबोधित करने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व सांसद राजेश रंजन, उपप्पू यादव भी आ चुके हैं। धरना सभा को संबोधित करने मुंबई के सोशल एक्टिविस्ट सादिया शेख पहुंची। सुने सादिया शेख ने धरना स्थल पर क्या कहा, उनके आवाज़ को सुनकर आप में जोश आ जाएगा। Thank you.
सरकार जो है उसे कुछ असर नहीं पड़ा दो महीने से जो हम आंदोलन पर बैठे हुए। तो हम यही चाहते हैं कि पहले से ज़्यादा और तादाद में और जोश में लोग आंदोलन करें और अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि ये जो सरकार है वो सिर्फ ये कानून लाना नहीं चाहती है बल्कि वो मुसलमानों को टारगेट करके उनको देश से ही निकालना चाहती है। आप देख सकते हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अगर आप गौर से सारे वीडियोस देखेंगे जो हमला पिछले 3-4 दिन से हमारे दिल्ली और यूपी में हुआ है, उसमें कम से कम एज के बच्चे हैं। वो सरकार जो 2014 के इलेक्शन के वक्त ये कह रही थी कि हमारा देश जो है डेवलप्ड होगा, हर बच्चे को तालीम मिलेगी, जिसके अलग अलग योजनाएं लाए थे उन्होंने बच्चियों लड़कियों के लिए, सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो आप जो 3-4 दिन से जो हो रहा है इन सब की वजह तो ये सरकार ही है और यही हमारा देश डेवलप हो रहा है, यही बच्चों को तालीम मिल रही है। अगर आज हम नहीं रोके इन सब चीज़ों को तो आने वाली नस्लें जो है हमारी वो सब ये इन्हीं लोगों की तरह दहशतगर्द और दंगे ही पैदा होंगे। इसीलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी ताकत के साथ आज बाहर निकले अपने घरों से और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार को हमें गिराना है, क्योंकि अगर हम आज नहीं गिराएंगे इस सरकार को तो कल को हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे और जो दिल्ली और यूपी में हुआ है वो पूरे देश में होगा। और इसके चपेट में सिर्फ मुसलमान नहीं आएंगे बल्कि हिंदू भी आएंगे और हर हर मजहब के लोग आएंगे इसके चपेट में, क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली में और यूपी में जो लोग मरे हैं उनमें हिंदू भाई और हिंदू लोग भी हैं। तो आप जो ये सोच रहे हैं कि हिंदू लोग बच जाएंगे ये सरकार जो ये कानून ला रही है उसकी वजह से, तो नहीं। आपके पास एक जिंदा मिसाल है असम की, आप उसको जाकर देखिए, उसके एक एक वीडियोस को आप सर्च मार कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत में जो चीज़ हमें ऊपर से दिख रही है कि कितनी आसान है ये, उतनी आसान नहीं है। आपको उस चीज़ को देखना है, उस वीडियो को, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये हम सबको ले डूबेगी एक दिन। ये आप कहाँ से चले हैं? मैं मुंबई से आई हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। दिसंबर से जब से ये कानून पास हुआ है राज्यसभा में लोकसभा में, उसके बाद से हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट चालू कर रहे हैं। हम दिल्ली में भी जाकर आए, जामिया में, अलीगढ़ में, शाहीनबाग में, नासिक में, इसी तरह हम जगह जगह पे जाकर प्रोटेस्ट की हिम्मत बढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सादिया शेख।